माय रूम 1102। तो आइए इसकी टूर करते हैं। एक ओह, ये थोड़ा डिसअरेंज था गाइस, बट इसको अरेंज कर दिया जाएगा। ये हमारा इक्विपमेंट्स, वो भी मैं नहा के आया था। और ये मेरा टेबल, स्टडी टेबल। अभी बहुत कुछ इसमें सेटअप करना है, अभी जस्ट मैं शिफ्टिंग किया ही हूँ तो बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और ये हमें चेयर मिला, काफ़ी शानदार चेयर है। और ये ओवरऑल मेरा रूम, थोड़ा सा डिसअरेंज आप लोग को लग रहा होगा, बट इसे मैं ठीक कर लूँगा, तो मैं फिर से एक वीडियो डाल दूँगा। और ये रहा हमारा कबर्ड, तो स्पेस काफ़ी है कबर्ड में। ये सर हमें पर्सनल चीज़ें जो मैं यूज़ करता हूँ। इसमें भी दो लॉकर है, एक दो दो लॉकर हमें मिला है इसमें। और एक स्टैंड मिला है जिसमें हम कपड़े टांग सकते हैं। और ये सारा सामान मैं लाया हूँ, बस ये प्रॉपर मिला है हमें। ये हमारा बेल्ट काफ़ी शानदार है। तो मैं ये रहा पूरा सेट। और मेरे रूम से बालकनी का नज़ारा लेते हैं। तो ये सारा सामान है गाइस मेरा, जो भी मैं शिफ्ट किया था तो पैक वैक किया था इससे। और ये रहा हॉस्टल के बाहर का व्यू। मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा व्यू आता है, वो सामने से सनराइज होता हुआ दिखता है, बहुत ही अच्छा लगता है, जो सीधे हमारे बेड पे पड़ती है, तो वो काफ़ी अच्छा फील आता है यहाँ पर। एंड दिस इज माई स्टडी टेबल गाइज। ये लाइट है बेसिकली, इसे मैं ही थोड़ा सा कागज़ वागज लगा के सेटअप कर लिया हूँ, मैं घर से लाया था इसे। तो ये रहा, और ये भी मैं घर से लाया था। ये एक्चुअली परफ्यूम इससे मतलब निकलता है, और अभी ये मतलब बैटरी से चलती है ये। तो ये वो रहा, और ये फिजिक्स का एक कारनामा, सेंटर ऑफ मास चलता रहता है। मोबाइल स्टैंड गाइज, ये रहा फिल्मी गाने, रेडियो मैं यूज़ करता हूँ, सुनता हूँ कभी कभी, पुराने गाने अच्छे लगते हैं मुझे। और ये मेरा टैब, और ये रहा मेरा पेन स्टैंड, बहुत सारा पेन और बहुत कुछ आपको दिख रहा होगा। ये वाटर बोतल, और हमें यहाँ पे एक बोर्ड मिला है, इलेक्ट्रिक बोर्ड, जो ये मैं खुद से लाया हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये प्रॉपर ऐसा था कुछ, और ये मैं खुद का लाया हूँ 3-pin टाइप, ताकि मैं और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लगा सकूँ। बेसिकली इतना ही था। और ये ड्रॉअर है, इसमें भी मैं कुछ कुछ स्टफ रखा हूँ। तो बेसिकली इतना ही था। तो ये रहा हमारा ओवरऑल रूम और स्टडी टेबल, अलमीरा, लॉकर, एक फैन हमें मिली है, दो ट्यूबलाइट्स मिली हैं, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो ट्यूबलाइट्स मिले हैं, जो कि बहुत ही लाइटिंग है रूम में, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। और बस ऐसा ही, और यहाँ पे व्यू आपको मिलता रहेगा, सनराइज़ का व्यू तो आता ही है क्योंकि ये ईस्ट है, तो कोई इशू नहीं होती है। और यहाँ पे ये जो हमें यहाँ पे जो विंडो टाइप का मिला है, इसमें जाली लगा हुआ है ताकि मतलब एयर आ सके, बट मतलब होता है ना मॉस्किटो वगैरह ना आ सके। और ये शीशे का है, इसे ग्लास का है, खोल इसे खोल के ताकि एयर आ सके, और इसे लॉक करने से फिर सिर्फ एयर आएगा और डस्ट या फिर मॉस्किटो नहीं आएगा। तो ये भी बहुत ही अच्छा लगा मुझे पर्सनली। तो ओवरऑल ऐसा ही है, और काफ़ी शानदार है मतलब। ये हमारा घूमने वाला चेयर, काफ़ी मज़ा आ रहा है। तो नहीं, मैं कहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप लोग किसी एम्स ही प्रेफर करें, क्योंकि यहाँ पे एक तो पढ़ाई अच्छी होती ही है, और दूसरा कि फैसिलिटी आपको बहुत दिया जाता है। मतलब आप खुद देखिए, इतना अच्छा सिंगल रूम, प्रॉपर टेबल चेयर, एक वो भी अच्छा वाला, मतलब एक अलमीरा बहुत ही ज़्यादा बालकनी के साथ, तो कहीं ना कहीं ये एक प्लस पॉइंट है। और ये सारी चीज़ें आपको, क्योंकि 5-5.5 साल रहना होता है कॉलेज में, तो ये सारी चीज़ें बहुत मायने रखती है। तो आप लोग कोशिश करें कि एक डिसेंट स्कोर ला सकें। वैसे तो सबसे पहला प्रायोरिटी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि आप लोग एक डिसेंट स्कोर ला सकें, ताकि आपको एम्स जैसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो सके। और ये काफ़ी मतलब होता है ना कि 5 साल का जर्नी है, तो आपको चाहिए होता है, ये सारी नेसेसिटी होती है कि एक सिंगल रूम आपको मिले, और उसमें भी मतलब वेल इक्विप्ड होता है कि आपको इशू ना हो, क्योंकि जनरली गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में थोड़ी कंडीशन ख़राब होती है, मैं देखा था। तो इसीलिए मतलब आप लोग एज ए सोर्स ऑफ मोटिवेशन इसी को माने, और क्योंकि 5 साल रहना भी होता है मेडिकल कॉलेज में, तो थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा एफर्ट डालें, एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए ताकि एक डिसेंट स्कोर मतलब 650+, ताकि एक एम्स आपको मिल जाए, और वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। Thank you.
काफ़ी अच्छा है और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई थी हमें शिफ्ट करने में, बट अभी सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया है। और मुझे थोड़ा सा डेकोरेशन वगैरह करना है, जैसे कि यहाँ पर वॉलपेपर लगाना है और स्टडी टेबल को थोड़ा एनहांस करना है, तो ये सब मैं करूँगा अभी धीरे धीरे करके। तो बेसिकली यही था बेसिक फूड, और आगे के फर्दर वीडियोज़ में मैं और भी कुछ कुछ ऐसे स्टेप्स लाता रहूँगा ताकि जितने भी एस्पिरेंट्स हैं वो मोटिवेट हो सके। और ठीक है, तो इतना ही मुझे कहना था, थैंक यू। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।